सर अगर वो गुनहगार थे तो न्यायालय बना है, कोर्ट बना है सजा देने के लिए, ऐसे इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर 36-36 केस हैं उसका इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, और हमारे भाई के ऊपर सिर्फ एक ही केस था, अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेरे भाई का इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिन पर 36 केस हैं वो बच गए, और जिन पर एक केस था उसे मार दिया। ये सारी बातें इनकाउंटर में मारे गए आरोपी अनुज प्रताप सिंह की बहन कर रही हैं। बहन के इस बयान पर भावुक हो गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बहन के बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं, शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयविहीन असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं। न्यायालय बना है, कोर्ट बना है सजा देने के लिए, ऐसे इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर 36-36 केस हैं उसका इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, और हमारे भाई के ऊपर सिर्फ एक ही केस था, अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद एक बार पूछताछ, अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई सर, और ये एक साजिश के तहत मारा गया है। दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद अनुज ने फायरिंग की है। अगर अनुज ने सर फायरिंग की है तो पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी, पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर फायरिंग हुई थी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए थी ना। और सर जैसे दिखा रहे हैं कि सर पे लगा है, अगर मुठभेड़ होता है तो सर पे कोई गोली मारता ही नहीं है, पैर में लगती, पेट में लगती, ऐसे नहीं। सर जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ झूठ दिखा रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है। वैसे अखिलेश यादव लगातार यूपी में हो रहे एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव इससे पहले भी लिखते हैं, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज सत्ताधारी जानते हैं कि भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसा हालात पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही न करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस ने सबसे पहले आरोपी मंगेश यादव का इनकाउंटर किया। तब से ही अखिलेश यादव इसको लेकर सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर जाति देखकर इनकाउंटर करने का आरोप भी लगाया। हालांकि जब आरोपी अनुज प्रताप सिंह को UP STF ने मार गिराया तब भी अखिलेश यादव इसके विरोध में खड़े हैं। वो लगातार STF और UP पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने और प्रशासनिक हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं योगी सरकार खुलकर एनकाउंटर का समर्थन कर रही है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।